हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड को पढ़ने से पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे, वो है एल्काइल्स हैं क्या। तो एल्काइल एक प्रकार से फंक्शन ग्रुप हैं और एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके बनते हैं। जैसे अगर हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल बन गया, इथेन से हटा दिया तो इथाइल बन गया, और प्रोपेन से हटा दिया तो प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, और ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्जेन से हेक्जाइल, और हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, और नोनाइन से नोनाइन बन गया। अब इतनी बात समझ में। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये हुआ कि जो आपका मिथाइल है, अगर हमने इसी मिथाइल में हमने क्या किया, इसी मिथाइल में या किसी भी एल्काइल में हमने या तो हमने एफ लगा दिया या सी एल लगा दिया या बी आर लगा दिया या आई डी लगा दिया, तो आपके ये आपके हेलो एल्केन्स बन जाएंगे, यानी हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास सी एल लगा दिया तो सी एच थ्री सी एल, तो ये मिथाइल क्लोराइड, सी एच एल ओ आर आई टी ई, ठीक है। अगर हम इसका आई पी एच नाम लिखते हैं, ये कॉमन नेम है आई पी एच नाम, तो क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो मीथेन हो गया। क्या हो गया? ये क्लोरो मीथेन, ठीक है। अगर हमने इसी सी एच थ्री सी एल के अंदर हमने क्या किया, सी एस थ्री बी आर लगा दिया, सी एस थ्री बी आर, तो ये हो गया ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या होगा इसका नाम? मिथाइल, मिथाइल ब्रोमाइड, या हो गया ब्रोमोमीथेन। क्या ये ब्रोमोमीथेन? इतिहास में चलिए आगे चलते हैं। अब है C2H5, ठीक है, इथाइल ही तो है, इसमें सी एल लगा दिया तो ये हो गया इथाइल क्लोराइड, ठीक। इसका आई यू पी एस नाम होगा क्लोरो सी एच एल ओ आर क्लोरो इथेन, ठीक, समझ में आ रहे। अगर हमने इसी में बी आर लगा दिया C2H5Br, तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया या ब्रोमो इथेन। ऐसा ना समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अब हमारे पास मान लीजिए प्रोपाइल है, तो C3H7Cl, तो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक, या क्लोरो सी एच एल ओ आर क्लोरो प्रोपेन बन गया, ठीक। अगर हमने इसमें आईडी लगा दिया तो C3H7I, तो ये हो गया प्रोपाइल, प्रोपाइल आयो डाइड, ठीक, ये प्रोपाइल आयोडाइड हो गया, या आयडो, आयडो प्रोपेन। चलिए और एक और कर लेते हैं, ब्यूटाइल, तो C4H9, ठीक है, बी आर ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटाइल, क्या होना? ब्रोमो ब्यूटाइल। इतनी बात समझ में आई? ब्रोमो ब्यूटाइल नहीं बनेगा, ब्रोमो ब्यूटेन या ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटेन या ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एक बार फिर क्लियर कर दूं, अगर एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है तो ये कॉमन नेम है, और क्लोरो हैलो एल्केन लिखा हुआ है तो आईयूपीएसी नेम है। तो ये कहानी तो हो गई एल्काइल हैलाइड की, यहीं पर एक और कहानी हम इसी पे बता रही थी। मान लीजिए एल्कोहल बन गया, तो एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर हो गया CH3OH, ठीक है, इसका कॉमन नेम हो गया आपका मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम होगा मैथेनॉल,
ऐसे लिखते हैं। ठीक, एक और देखते हैं। अगर हमने कहा कि कॉन्जिगेटिव मेंबर सक्सेसिव मेंबर, तो ये सिंपलेस्ट भी होता है। क्या होता है ये? सिंपलेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम। अब हम बात करते हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच की। ऐसे हम सी टू एच फाइव ओ एच भी लिख सकते हैं। ये है इथाइल अल्कोहल। ठीक, और हेलो क्या है? एथेनॉल। क्या ये एथेनॉल? अब क्या आई बात समझ में? एक और कंपाउंड बना लेते हैं। चलो सी एस सी सी एच टू सी एच टू ओ एच प्रोपेनॉल। इसे बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। फाइव एल्कोहॉल। ठीक है, ये है प्रोपाइल अल्कोहल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच। तो ये है ब्यूटाइल एल्कोहॉल। इसे ऐसे भी कह सकते हैं ब्यूटेनॉल। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी बढ़िया तरीके से। तो ये हमने कर दिया आपके एल्का हैलाइड और एल्कोहल। एल्कोहल और एल्का हैलाइड एक जैसे ही होते हैं, मतलब उन इथाइल से मिथाइल से एल्काइल में लगते हैं। इसके बाद गिनती के तीन कंपाउंड रह गए, ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनके अलग अलग तीन वीडियो और बनाने हैं बस, फिर इतना करेंगे, फिर हम केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो ऐसे करके 30 के आसपास वीडियो बनने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे आने वाले टाइम में मैं 5 और 6 वीडियोज़ में कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।